अरे ऐसा कहे कर रहे ऐसा कहे दीजिएगा सर। ये फीमेल वो पीछे लग जाए इसमें वही कलर है फिर घुस रहा अंदर फिर से आएगा नहीं। माँ सरस्वती शारदे उदरी माँ सरस्वती सरस्वती अरे मेरे में धन्यवाद सर। होने का सौभाग्य हुआ है और मुझे इसी बहाने पटना जो मेरी जन्मस्थली है वहाँ भी आने का मौका मिला है। मैं यहाँ बार बार मुझे आने का मौका मिले ऐसा मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। माननीय मंगल जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में आना है, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और आज आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो यहाँ के स्वास्थ्य जगत के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है और पहले भी इस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूट के श्री गणेश में भागीदारी होने का मौका मिला, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद हूँ। फिर चाहे वो वेक्टर बोर्न हो, फिर चाहे वो वाटर बोर्न हो, चाहे वो और इन्फेक्शन्स हो, उन सभी के बहुत डिटेल स्टडी करने के लिए रिसर्च का भी प्रावधान किया गया है। और इस रिसर्च के माध्यम से यहाँ इस पूर्वी भारत के दृष्टि से ये बहुत बड़ा सेंटर के रूप में आगे विकसित होगा ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको एक ही बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से समाज के सभी आयामों पर विशेष ध्यान रहता है, स्वास्थ्य जगत पर उनका विशेष ध्यान है और उनका कहना है कि हमको जो हमारे मानक हैं जिससे स्वास्थ्य के बारे में हमारी स्थिति का पता चलता है उसमें बहुत तीव्र गति से सुधार होना चाहिए। इसलिए मैं आना चाहेंगे, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ये हम आपको विश्वास है। मैं बिहार की दृष्टि से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिहार एक तरीके से खुशनसीब है कि क्योंकि मेरा संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य की दृष्टि से बिहार ने हमेशा सभी विषयों पर लगातार नज़र रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। पहले भी जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, पर्सनली आपने कालाजार हो, फाइलेरिया हो, फाइलेंसिस हो, इन सारे विषयों पर उस समय के सेक्रेटरीज को बुला करके और ये कैसे ठीक हो सकता है, क्या क्या टारगेट्स दिए जा सकते हैं, इस पर आपने और उसी तरीके से जो भी हमारे एम्स की बात है, बाकी सारी बातें हैं उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ चर्चा करते समय कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आपका सपोर्ट भी चाहूँगा, जिसका संबंध सिर्फ बिहार से नहीं है, देश के स्वास्थ्य से है। हम लोग एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए 2017 की स्वास्थ्य नीति। अभी क्या होता था कि हम डिजीज स्पेसिफिक काम करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पीछे पड़ गए, HIV के पीछे पड़ गए, किसी और डिजीज कैंसर के को हम कर रहे हैं। अभी जिसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, कितनी फेलियर बढ़ रहा है, तो हम डिजीज स्पेसिफिक काम करते थे। अब हमने उसको शिफ्ट करके प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर की तरफ ले जा रहे हैं कि बीमारी ना हो, रोग से निरोग की ओर ले जा रहे हैं। निरोगी रहना चाहिए, इसकी हमको चिंता है। और इसके लिए बहुत बड़ा आयाम हम लोगों ने शुरू किया है कि 30 साल की उम्र में सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोरल कैंसर और हाइपरटेंशन और डायबिटीज का फ्री स्क्रीनिंग, यूनिवर्सल फ्री स्क्रीनिंग किया जाएगा। 100 जिले इस साल लिए गए हैं जहां इसकी ट्रेनिंग हो रही है। आपकी मदद चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पीएचसी में आप जाएंगे, जाकर के अपना चेकअप कराएंगे, तो जो कैंसर आप 5th स्टेज में पकड़ते हैं, 4th स्टेज में पकड़ते हैं, वो आप प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लेंगे और कैंसर से बच जाएंगे। किडनी फेलियर होने के बाद आते हैं तो किडनी के गड़बड़ होने के नतीजे भी 30 साल की उम्र में दिखने लगते हैं, तो उसको पकड़ में आ जाएगा। सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर काम करना शुरू किया। डॉक्टर्स की, पैरामेडिक स्टाफ, नर्स, सबकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई। हम लोगों ने सोचा कि हमें जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जिला अस्पताल है, सब डिवीजन के अस्पताल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनको सक्रिय बनाना होगा। तो उस हिसाब से काम जो शुरू किया और मुफ्त में दवा काम किया बिहार में 2006 से किया गया और इसका जो फायदा हुआ, और जब अक्टूबर 2006 में हम लोगों ने दोबारा सर्वेक्षण कराया, तो 2006 में अक्टूबर में कहा, फरवरी में 39 मरीज औसतन एक महीने, 2006 आते आते इसकी संख्या बढ़कर के 1500 से 2000 हो गई। और आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज जो जाते हैं अपने इलाज के लिए, उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए जो काम यहाँ किया गया, वो तो एक क्षेत्र में, बिहार में भी वो काम कर रहे हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हर घर में शौचालय बन जाए और हर घर को पीने का स्वच्छ जल, नल का जल मिल जाए। ये दो काम में हम लोग बहुत ही डेडिकेटेड होकर लगे, क्योंकि अगर हर व्यक्ति को पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए और खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए, तो आज जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियां नहीं होती। ये अपने आप में कितना बड़ा प्रिवेंटिव है। हम लोग इसके लिए तो काम कर रहे हैं। और उसके अलावे जो और भी मेडिसिनल रास्ते हैं प्रिवेंट करने के लिए, अब जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन, हम लोग जब आए थे तो रूटीन इम्यूनाइजेशन